अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ इंतखाबी नगीना आपसे मुखातिब हैं और आज आपको मैं ज़बरदस्त वीडियो बताने और दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत डिफरेंट है जी और आपके लिए बेपनाह फ़ायदे का हामिल भी रहेगी और इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। ये सिर्फ रंग से मुशावर एक खूबसूरत पत्थर है और इस नाज़रीन पत्थर को आप देखेंगे तो आपकी आँखों के अंदर एक ख़ास किस्म की जो है तमानियत पैदा होगी और ये पत्थर जो है बहुत ख़ास आम जो है के इस्तेमाल में आ सकता है। इसका नाम है संगे सेम, यानी कि दौलत सेम। ये देखें आप, संगे सेम बड़ा हसीन कलर का पत्थर है। ये आप देखें कि खूबसूरती, वाह ज़बरदस्त। जर माल दौलत उसके लिए पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, संगे सेम इसका नाम है। इस्तेमाल के अंदर बहुत खूबसूरत है और इसकी बहुत सारी मतलब वैरायटी नहीं पाई जाती, बल्कि संगे सेम के अंदर अमूमन कलर यही पाया जाता है। आज मैंने संगे सेम के अंदर सारी कटिंग जितनी भी हुई थी, ओवल बेस भी और उसके अलावा इसके अंदर रोटाइल्स रूट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि लंबी लंबी लाइन मिलती हैं। ये देखिए रोटाइल्स वाले हैं, अगर गौर से देखा जाए तो शायद आपको काले काले से नज़र आ रहे होंगे। अहले हनू का ख्याल है इसको पहना भाई से बरकत है और ज़माने कदीम से उसको लोग पहनते चले आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये आज मैंने आपके सामने संगे सेम रखा है। इसके अंदर देखें लाइट कलर भी है, बहुत लाइट सूफियाना सा कलर जिसे कहना चाहिए ना, इस कलर में पाया जाता है। इसमें डार्क कलर, ये जो ग्रीन सेब पाया जाता है ना एप्पल, उस कलर का भी होता है। तो नाज़रीन ये संगे सेम जो है माल उज़र दौलत रुपये पैसे फरवानी बाई से बरकत के लिए लोग उन्होंने अपने घर पे रखते हैं। इसका एक कलर ये भी बहुत खूबसूरत है, वाह बड़ा अच्छा कलर है, डिफरेंट सा बिल्कुल देखने में भी खुशनुमा है, नज़र आ रहा है। इसकी देखें पूरी वैरायटी मैंने बना के रख ली है, बनाने में काफ़ी मुझे टाइम लगा लेकिन बहरहाल अपने व्यूअर्स और नाज़रीन दिखाने के लिए मैंने कहा कि आज मैं संगे सेम दिखाऊँगा। इसकी एफआईजी भी बहुत ज़्यादा है और ये अभी सही है, सैकड़ों साल से इसका इस्तेमाल चला रहा है। ये बीच में कलर इसमें वैसे ही आ गया जो दिखाए आपको ना, तो इसको ज़रूर एक पहन ट्राई कीजिएगा। अच्छा ये मैं सेमी फ्रेशियस वो स्टोन दिखा रहा हूँ जो आम लोग सिर्फ खूबसूरती के लिए जाज़िबे नज़रत के लिए और अपने हुस्न तसन्न और बनावट के लिए पहनना चाहें, ये अपने ड्रेसिंग के लिहाज से चाहें कि मुझे उस पर सूट करें तो वो पहन सकते हैं। और मैं ऐसे भी दे रहा हूँ जो आपके दिमागी जिस्मानी रूहानी सलाहियतों को उजागर करें, ज़्यादा पहनने पर उसके अफादियत और फ़ायदे हासिल हों और ठंडे पत्थर हों। जैसे नीलम जैसे पत्थर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टाइगर भी है, इस तरह से बहुत सारे पत्थर हैं जो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पत्थरों में शुमार किए जाते हैं। ये वो लाइट स्ट्रॉन्ग पत्थर हैं, कलर से भी खूबसूरत हैं, लाइट कलर के भी पहनने में बहुत लाइट और सॉफ्ट हैं। तो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा ये संगे सेम को भी ट्राई करें। संगे सेम हुआ, जेड हुआ, जैस्पर हुआ, ये वो पत्थर हैं जो कि जिनकी अफादियत तो है, फ़ायदे तो हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है, सेमी प्रेशियस हैं। 1000-2000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, ऊँटी 2-2.5 हज़ार रुपये में तैयार हो जाती है चांदी की, क्योंकि हमारा काम सारा चांदी का ला वाला 1000-1200 की तो ऊँटी होती है, 1000-1200 पत्थर हो जाता है। तो ये अर्जा कीमत है और ये हर खास व आम पहन सकते हैं। जिन लोगों पास हम माली मामला की प्रॉब्लम रहती है तो संगे सेम उसको पहन के देखिए, ज़रूरी नहीं है अब हर काम के लिए नीलम ही पहनी है। अब भाई अगर हम सेब नहीं खा सकते तो हम गाजरों को गुजारा कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे और भी फल हैं जिनकी अफादियत सेब से मुशाबा है, उसके विटामिन दूसरे पत्थर में पाए जाते हैं। लेकिन अमरूद है, आम है, आम फलों का बादशाह है, इस तरह हर पत्थर की अलग अफादियत और कीमत और अहमियत है। तो हमें तो हर पत्थर मुताली आपको अवेयरनेस देनी है, चाहे प्रेशियस हो, चाहे सेमी प्रेशियस हो, चाहे सस्ता हो, चाहे महंगा हो। हमें अपने व्यूअर्स नाज़रीन को नित नई मालूमात और नित नई चीज़ें फराहम करनी है और दिखानी है। तो नाज़रीन आज मैंने आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट प्रोग्राम मैंने किया और उसमें मैंने आपको इसकी अफादियत भी बयान कर दी, इससे कलर दिखा दी, क्योंकि इससे पहले आज तक जितने भी आप चैनल उठा के देख लीजिए, जितने लोगों ने वीडियो बनाई, किसी एक ने भी आपको संगे सेम मुताबिक कोई भी डिटेल नहीं दी होगी और ना ही इस तरह से कोई डिस्प्ले करके आपको बताता होगा। मेरा मकसद ये कि अल्लाह ताला ने जब जो चीज़ें दी हैं तो मैं क्यों ना वो आपको दिखाऊँ। इनको पोशीदा रखना जो है वो ठीक नहीं, करोड़ों लोग हैं जो कबर के अंदर से पढ़े, जो अपने इल्म अपने सीने में ही रखे और चले गए। तो मेरी कोशिश है कि मरने से पहले मेरे पास जो इल्म है और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सब आपको दिखाऊं। दिखाने बाद आप ये कभी किसी जोहरी पास जाए, दुनिया किसी कोने में भी हो, तो दिखाने बाद ये तो अंदाजा रहेगा, नहीं यार संगीत सेब में उन्होंने जो कलर दिखाया था उसमें तो ये कलर था, ग्रीन के अंदर सेब वाला कलर भी पाया जाता था, उसके अंदर लाइट भी था, उसमें डार्क भी था, उसका लस्टर और चमक भी आपने देखी थी, क्योंकि उसकी चमक कैसी ही देखें। अब इसकी चमक ये अलग ही खुशनुमा चमक नज़र आ रही है इसकी।
उसकी अलग नजर आ रही है, सब एक ही। अब मिसाल के तौर पर आप सेब लेने जाते हैं, सेब के अंदर आपको एक कलर नहीं मिलेगा, काला कुल्लू भी है, गोल्डन भी है, ग्रीन भी है, दर्जनों कलर मिल जाएंगे आपको। अफाजत के लिहाज से तकरीबन सब एक ही होंगे। आम है, सिंदरी है, चौसा है, सरोली है, दशहरी है, लंगड़ा है, बहुत सारे अकसाम, 350 अकसाम है, लेकिन उसके जो वाइटामिन है वो तकरीबन सारे एक ही मिलेंगे। आम तो फिर आम होना चाहिए, इसी तरह संगे सेम हो, असली हो, नेचुरल हो, ही ट्रीट ढाकिए बनाओ, प्लास्टिक ना हो, तो उसकी अफादियत लामाना कुछ ना कुछ आप लाजमी हासिल करेंगे। और इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, हर हालत में हर आदमी पहन सकता है। इन बार लोग कहते हैं भाई हमें नाम से निकालते हैं, जिनके नामों से निकला तो उसी नाम के लिहाज से भी मैं बता देता हूँ किस बर्थ चार्ट के लिहाज से, जैसे जो बर्थ सोने वो पहन सकता है। तो आज मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत वीडियो दिखाई है, बड़े खूबसूरत इसके अंदर कलर थे, लाइट डार्क और कुछ इसके अंदर रो टाइल्स वगैरह भी शामिल है, वो भी मैंने आपको दिखा दिए। नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो मुझे उम्मीद है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, इसको आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के अंदर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन लाजमी जो है, बेल को के बटन और रेड रंग को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। इंतखाबी नगीना सिंस 1984।